फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आरकांत। आज हम करेंगे चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2। इस वीडियो में कंप्लीट इसके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट आर फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये आपके पास सपोज एक सर्कल है, इसमें आपके पास बोला फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू कहीं एक पॉइंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। आपके पास ये टेंजेंट दे रखी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये आपके टेंजेंट हो गई। से दिस पॉइंट इज पी, दिस इज 24 सेंटीमीटर। ये आपके पास है 24 सेंटीमीटर। बोल रहा है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। तो ये आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल है और ओ से इस सेंटर का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। बोला दी रेडियस ऑफ सर्कल इज, आपसे क्या पूछा? बोला रेडियस बताइए सर्कल की। इट मींस कि आपसे पूछ रहा है ये लेंथ आप बताइए कि क्या होगी। ओपी आपसे पूछा हुआ, ओपी क्या होगी। तो आइए इसके लिए आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिसे आप ध्यान रखें तो ये क्वेश्चन आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको बस ये बातें कुछ ध्यान रखनी होंगी जिसे आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपकी काफी हेल्प करेंगे। कब? जब आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये सेंटर से जब टेंजेंट पर ज्वाइन होती है एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये क्या बनाती है? राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर होगी या इसके ऊपर क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और इसे निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज लर्न है, ये पॉइंट कुछ आपको ध्यान में है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपको रिटर्न में करना नहीं है, एमसीक्यू में सिर्फ टिक मारना है, आगे बढ़ जाना है। तो ये देखिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट बेसिक 3, 4 और 5। एक ही आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इट मींस कि इसका स्क्वायर प्लस करें, इसका स्क्वायर प्लस करें, इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। दैट मींस सबसे बड़ी वाली साइड जो होगी इसमें, अगर वो आपके हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ी वाली क्या होनी चाहिए? हाइपोटेनियस होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो ये दो नंबर बचे हैं, इन्हीं में से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा आपके पास। तो ये देखिए 3² + 4² कितना हो गया? 9 + 16 = 25 हो गया। दैट मींस 5² आ गया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये देखिए इसका आप डबल करेंगे, दैट मींस 6, ये 8, तो थर्ड कितना होगा? इसका डबल कर दीजिए 10। ट्रिपल करें 3, 3 = 9 और 12, तो थर्ड कितना होगा? 15 होगा। तो इस तरह से आप पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रख सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास 9 और 12 दे रखा है तो थर्ड क्या होगा? तो आपको सीधा ये टैकल करना चाहिए आपके माइंड में, 3, 4 और 5। ये आपको लर्न रहेगा, जब आप एक दोबारे से देखेंगे तो लर्न हो जाएंगे। 3, 4, 3, 5, इसका ट्रिपल है, इसका भी ट्रिपल कर दिया तो इसका भी ट्रिपल कर दीजिए, ये 15 आ जाएगा। इस तरह आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट 5, 12 एंड 13, इसका भी ट्रिपलेट होता है। अगर हाइपोटेनियस आपकी 13 है तो बेस और परपेंडिकुलर में से इनमें से ही कोई ना कोई होगा। इसका डबल ट्रिपल वो भी आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही होंगे। 10 तो 24 और 26 एंड सो ऑन ट्रिपल कर देंगे, वो भी इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होगा। थर्ड 7, 24 एंड 25, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं आपके। 7² + 24² दैट मीन्स 7² = 49, 24 × 5 = 76 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 625, विच 25 का स्क्वायर होगा वो। तो इट मीन्स कि ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अब देखिए इसका डबल और ट्रिपल वो भी हाफ वगैरह सब ये सब क्या होगा? ट्रिपलेट ही होते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या है यहाँ पर क्वेश्चन। 24 आपके सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेनियस, बिल्कुल हाइपोटेनियस हमारी दे रखी है 25। फिर सेकंड क्या है? ये आपके पास एक 24 दिया है, तो थर्ड क्या होगा? 7 होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा? 7। दैट मींस ए आप इज करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज ए, या ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप लिख सकते हैं अपना सॉल्यूशन में। सेकंड बोला इन द गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर गिवन है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल पीओक्यू, आपके पास पीओक्यू दिया है 110, दैट मींस 110,
देन फाइंड क्या करना आपको, पी टी क्यू, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना, पी टी क्यू, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, रेडियस जब टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ज्वाइन करती है तो ये परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो ये एंगल हो गया 90, ये भी हो गया आपका 90, तो ये क्या आ गया 90, 110 प्लस 90 प्लस दिस एंगल इज से दिस इज, आप बोल दीजिए दिस इज एक्स, या फिर पी टी क्यू आप लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल दिस इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो आप ये माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 360 में से 90, 180, ये माइनस हो गया 180 बचा, 180 में से आप 110 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 70, दैट मींस एक्स की वैल्यू, ये आपका एंगल पी टी क्यू क्या आ गया आपके पास, एंगल पी टी क्यू ये आ गया आपके पास 70 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, बी, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब सिर्फ एमसीक्यू, दैट मींस आपको एमसीक्यू में कुछ नहीं करना, सिर्फ डायग्राम में ये देखना है कि आप बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं। ये 90 90 ये हो गए, अब बचा कितना, 360 में से आपने 180 माइनस कर दिया, 180 बचा, 180 में से ये माइनस कर दीजिए तो आपका ये आ गया 70, या फिर चारों एंगल सम करके आप निकाल सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये बोल रहा है आपसे कि बोला इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू व्हाट। तो एंगल पी ओ ए किसके इक्वल होगा, तो ये देखिए ये आपका सर्कल है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, सपोज ये आपके पास आपने कहीं पॉइंट पी ले लिया, पी ए एंड पी बी क्या है, टेंजेंट्स है, ये आपके हो गए टेंजेंट्स, पी ए एंड पी बी सर्कल की टेंजेंट हो गई, ये हो गया सेंटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये जो एंगल है आपका ये दिया हुआ है 80 डिग्री है। एंगल पी ओ ए आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल पी पी ओ ए, दैट मीन्स आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, पी ओ ए आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको ये एंगल आपका फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा, ये देखते हैं अब कैसे देखें, ये जो आपका ओपी है, ये जब आप इसमें काम करेंगे, अगर आपको ये रिटर्न में आ जाए, तब आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, ये आपके पास कॉमन साइड हो गई, ये दोनों आपके पास क्या हो गई, ओपी कॉमन है दोनों में, ओ बी और ओ ए सेम सर्कल की रेडियस है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगी, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट पर जब भी रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे मीट करती है तो 90 एंगल फॉर्म करती है, तो ये 90, तो आपके पास ये क्या आ गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से, दैट मीन्स इट मीन्स ये जो है आपके पास, जब भी किसी डायग्राम में ऐसा आपको मिल जाए और ओपी आपको मिले, तो ओपी क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, एंगल बाइसेक्टर होगा यहाँ पर, तो इट मीन्स ये क्या टोटल 80 है, तो ये एंगल कितना आ गया आपका 40 डिग्री आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो देखिए ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये कितना बचा आपका, कितना बचा 50 डिग्री, तो 180 एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपका, ए आ गया, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप ये अपने क्वेश्चंस एमसीक्यू कर सकते हैं। देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बोल रहा है आपको क्या प्रूव करना है कि टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मींस इसका सॉल्यूशन देखिए, बोल रहा ये आपके पास एक सर्कल है, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, आपका ये डायमीटर हो गया, नेम दे दीजिए इसका, से ए एंड बी, ए बी आपका डायमीटर हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है, इसके एंड से टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, इनके एंड से डायमीटर के एंड, ये एक टेंजेंट हो गया आपका ये, ठीक है,
ये आपके पास एक टेंजेंट आ गया, एक टेंजेंट आ गया, ये दोनों टेंजेंट हो गए से पी क्यू आर एस, ये हो गया आपके पास। अब यहां आप सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रूफ आपके क्या कैसे करना है। तो आपने गिवन क्या है हमारे पास, इसमें आपको गिवन है लेट ए बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये आपके क्या है डायमीटर, एंड पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट्स, पी क्यू एंड आर एस बी द टू टेंजेंट्स टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ये आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो अब देखिए आपको शो क्या करना है, दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, आपको ये शो करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट होंगी इसके एंड पर ये हमेशा क्या होंगी पैरेलल होंगी, ये आपको शो करना है। तो देखिए कैसे आप शो कर सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेंटर, सेंटर से जब ये रेडियस इस टेंजेंट पर पड़ेगी तो ये आपका 90 डिग्री फॉर्म करेगी करेगी। अगेन सेंटर से इस टेंजेंट पर भी ये रेडियस जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर मीट करेगी तो ये भी 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। अब ये दोनों एंगल आपके क्या हो गए 90 प्लस 90 180 आ रहा है, इन दोनों एंगल का जो सम आ गया वो 180 आ गया। अगर इनका सम 180 आ रहा है तो आपको ये लाइन शो करनी है पैरेलल। अब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि पैरेलल के लिए क्या क्या ऐसी कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी कि जिससे आप पैरेलल ला सकते हैं। तो पैरेलल लाइन शो करने के लिए आपके पास ये तीन रिजल्ट होंगे, आपको इन तीनों रिजल्ट में से कोई एक रिजल्ट फुलफिल करना पड़ेगा। क्या आपके पास ये लाइन पैरेलल है, सपोज ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब या तो आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, क्या हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोला पेयर ऑफ अल्टरनेट, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। सेकंड को इंटीरियर एंगल, दैट मींस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाए तब भी लाइंस पैरेलल होती है, देन लाइंस आर पैरेलल, ये पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल आपके ये हो गए। इन दोनों का अगर सम आप कर देंगे तो वो क्या आना चाहिए 180, अगर 180 आ रहा है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट, अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, जो भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके इक्वल हो जाए, जो भी इसके इक्वल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, आपके पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर इक्वल हो गया तब भी लाइन पैरेलल होगी। तो अब हमें यहां देखना है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी इजी लगा सकते हैं, जो भी लगाएंगे तीनों से आपका काम बन जाएगा। तो ये देखिए आप यहां से ये 90 ये 90 ये भी लगा सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 180 को इंटीरियर एंगल, ये भी आप लगा सकते हैं, या ये 90 है और ये भी आपका 90 होगा। तो ये देखिए ये जेड भी बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर की पहचान ये होती कि ये जेड फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये देखिए जेड बन रहा है, ये एंगल, ये मैं इसका मेंशन कर देता हूं नाम 1 और 2 नाम देते हैं, ठीक है। सिंस प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, Since angle 1 is equals to angle 2 है, because each are 90 degree, दोनों ही 90 degree हैं तो दोनों equal हो जाएंगे। 90 क्यों है, क्योंकि center से जब भी आपके radius drawn
सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब वो रेडियस जब आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मीट करती है तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपके पास 90 90 डिग्री के एंगल बन गए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। एंड दे फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दे फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल के पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं। अब अगर कोई दो एंगल इक्वल है और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर है और वो इक्वल भी है, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एफ, ये आपकी पैरेलल हो गई। इस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हैं। और एंगल वन प्लस ये एंगल आप ले सकते हैं, दैट मीन्स पी ए ओ और आर बी ओ, ये आपके क्या होंगे, 90 90 180 भी हो जाएंगे। तो ये आपके को इंटीरियर एंगल आप रीजन दे देंगे, तो उससे भी पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल बनेंगे, तो आप उससे भी कर सकते हैं, लाइंस आपकी पैरेलल आ जाएंगी। इस तरह से ये आपका प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ, ये आपका रिजल्ट हो गया भाई प्रूफ। इस तरह से आपको ये प्रूफ करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वुड अ प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर। आपको शो करना है कि आपके पास क्या है, एक सर्कल है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट, ये आपके पास एक टेंजेंट है, से ए एंड बी, तो ए बी आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। दिस पॉइंट से पी, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। बोला सर्कल, बोला टेंजेंट जो है टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अब इस पर जो भी परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास करेगा। इस टेंजेंट पर जो भी आपके पास ये परपेंडिकुलर आप ज्वाइन कर रहे हो, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको ये शो करना है कि ये जो आपके पास लाइन होगी ये सेंटर से पास कर रही है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो इट मींस ओपी आपका रेडियस होगा, आपको ये शो करना होगा। अब इसमें देखिए आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, आपके पास गिवन क्या है, हम लेट कर लिया, लेट ए बी विद द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ये आपका क्या है, टेंजेंट है सर्कल का। एंड आपको गिवन है, एंड एंगल ओ पी ए और एंगल ओ पी बी, ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये आपके पास परपेंडिकुलर है। दैट इज, इसका मतलब है कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपके 90 90 हो जाएंगे। अब हमें शो करना है कि ये कहां से, सेंटर से पास कर रहा है। इफ किस बनता है, इफ ओ पी, दैट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर आपका है ओ पी passes through center center, then we have done, तब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर ये सेंटर से पास कर रही है, वो हमारा सेंटर है, देन वी हैव डन, हमें कुछ और प्रूफ नहीं करना है, ये हमें प्रूफ करना था। अब अगर ये हो सकता है कि अगर ये सेंटर से पास नहीं कर रही है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, केस क्या बनेंगे, हो सकता है भाई ये सेंटर से पास करे या हो सकता है ये सेंटर से पास ना करे। अगर ये सेंटर से पास करिए, देन वी हैव डन, हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, कट पड़ेगा वो हमारा, हम यही पूछा था, वो हमारा रिजल्ट आ गया। अगर ये सेंटर से पास नहीं करती है तब आप क्या करेंगे, तो इफ ओपी डजंट पासेस थ्रू सेंटर, ये भाई आपके सेंटर से पास नहीं कर रही है।
अगर ये सेंटर से पास नहीं कर रही है तो इट मींस आपके पास कोई तो ऐसी लाइन होगी जो सेंटर से पास करेगी। आपने कह दिया ये ओ डैश, दैट मींस ओ पी डैश आपने ले लिया कि ओ पी डैश जो है वो सेंटर से पास करेगी। अगर ये पास नहीं करेगी कोई तो एक लाइन आपको मिलेगी जो सेंटर से पास करेगी। आपने मान लिया कि जो ओपी है ओ डैश पी पासेस, सो आप ड्रॉ कर लेंगे या लेट कर लेंगे, लेट ओ पी डैश पासेस दिस पासेस थ्रू सेंटर, ये भी सेंटर से पास कर रही है। ओपी डैश पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर से पास कर रही है। तो इट मींस अगर ये सेंटर से पास कर रही है, अब सेंटर से जो भी लाइन टेंजेंट दैट मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ज्वाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, दैट मींस 90 डिग्री एंगल बनाती है। सो देयर फोर एंगल ओ डैश पी बी ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। सिंस अगर सेंटर से पास कर रही है तो हमने हमारे पास जो भी है आपके पास एंगल बनेगा, क्योंकि कोई भी लाइन अलाइन थ्रू सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो भी लाइन आपकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मीट करती है वो क्या बनाती है आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। अगर ये सेंटर से पास कर रही तो हम मान लेते हैं ये ओ डैश हमारा सेंटर है, तो ये ओ पी आपकी क्या रेडियस हो गई, तो दैट मीन्स ओ पी डैश इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी पर ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर तो एंगल आपका क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। अब देखिए मैं ये शो करना चाहता हूं कि ओ पी डैश तो हमारे पास हमने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि हमारा सेंटर से पास कर रहा है, ओ पी तो हमारा सेंटर से पास नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये शो कर दूं कि ओ और ओ डैश दोनों पॉइंट सेम है, दैट मीन्स कॉइंसाइड कर रहे हैं, संपाती हैं, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं ये शो कर दूं कि इन दोनों का एंगल का डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो ये दोनों पॉइंट कॉइंसाइड कर जाएंगे, कॉइंसाइड कर जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम यही करेंगे, ये देखिए एंगल आपके पास क्या आएगा, ओ पी बी माइनस एंगल ओ डैश पी बी। ओ पी बी आपके पास क्या है 90 डिग्री है, ये आपको गिवन है, ये आपके पास 90 आ गया यहां से, ये 90 तो ये आ गया 0 डिग्री। ये दोनों क्या आ गए एंगल, दोनों का डिफरेंस जीरो है, दैट मींस दोनों ही की दोनों सेम है। अगर इन दोनों का डिफरेंस जीरो है तो इट मींस पॉइंट, सो दिस इंप्लाइज पॉइंट ओ एंड ओ डैश कॉइंसाइड कर जाएंगे, कॉइंसाइड्स ये दोनों पॉइंट आपके कॉइंसाइड कर गए, दैट मींस ओवरलैप हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए। अगर ये दो पॉइंट है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो इट मींस दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो इट मींस क्या हो जाएगा कि ओ पी डैश तो आपका सेंटर से पास कर रहा था, सो ओ पी भी आपका, क्योंकि ओ और ओ डैश दोनों सेम पॉइंट हो गए, कॉइंसाइड कर रहे हैं, इट मींस सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या, ओ डैश पी अगर सेंटर से पास कर रहा है तो ओ पी भी सेंटर से पास कर जाएगा। सो दिस इंप्लाइज ओ पी पासिस थ्रू सेंटर, पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ये भी सेंटर ऑफ सेंटर से ही पास करेगा। यही आपको प्रूफ करना था कि ये सेंटर से पास कर रहा है। अगर आप सो वी हैव डन, अब हमारा रिजल्ट हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप अपने स्क्रीन के राइट टॉप पर आपको आई बटन मिलेगा, उसे क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।